केंद्र सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान अमानवीय पीड़ा झेलने वालों के व्यापक योगदान को याद करने के लिए 25 जून का दिन संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा कर चुकी है। बता दें कि वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद तत्कालीन सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की थी। वहीं इसी आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि आपातकाल को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, वहीं लोग भूल चुके हैं कि आगे उन्होंने क्या कहा। वहीं उन्होंने कहा कि इस देश में आपातकाल इसलिए लगाया गया था क्योंकि इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। वहीं पुलिस और सेना को भड़काया जा रहा था कि सरकार के आदेशों का पालन मत कीजिए, ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वे भी आपातकाल लगाते। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार को इसलिए बहुमत नहीं मिला क्योंकि वे लोग संविधान को बदलना चाहते थे। उनके पास कोई काम बचा नहीं है, 50 साल हो गए इमरजेंसी को, लोग भूल चुके हैं। इमरजेंसी आपातकाल क्यों लगाया गया? इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। रामलीला मैदान से खुला ऐलान हुआ था हमारे जवानों को, आर्मी को, कि सरकार के आदेशों का पालन मत करिए। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो, उसे अराजकता कहते हैं। तो ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते, ये देश की सुरक्षा का मामला था। कुछ लोग देश में बम बना रहे थे और जगह जगह पर बम विस्फोट कर रहे थे, ये सभी को मालूम है। और मैं आपको बताना चाहता, अमित शाह को आपातकाल क्या है पता नहीं, उस वक्त वो कितने साल के थे मुझे पता नहीं। जिस बाला साहब ठाकरे के आज वो गुणगान गा रहे हैं ना, वो नकली शिवसेना के साथ, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त इमरजेंसी को खुला समर्थन दिया था, खुला समर्थन, इंदिरा गांधी को खुला समर्थन दिया था, मुंबई में स्वागत किया था उस वक्त, आरएसएस ने भी समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उनको नहीं लगा कि संविधान की हत्या हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई, उनको नहीं लगा कि संविधान की हत्या हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, उनको नहीं लगा संविधान की हत्या हो गई। ये कौन है टिकोजी राव? उनके पास कोई काम नहीं है, ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनके पास बहुमत नहीं है, लोगों ने उसको नकारा है, लोगों ने उसको हराया है, तो क्या बोल रहे ये लोग, उनका दिमाग ठिकाने नहीं है। आपने कहा कि मोदी कार्यकाल के हर दिन संविधान हत्या, डेफिनेटली आपातकाल की अगर बात करें तो 10 साल का हर दिन संविधान की हत्या के लिए माना जाएगा। ऐसा एक दिन भी नहीं जहां लोकतंत्र की रक्षा हुई। जिस तरह से कानून, सेंट्रल एजेंसी, भ्रष्टाचार, अराजकता इस देश में बढ़ गई है, तो दर दिन संविधान की हत्या ही है ना। नरेंद्र मोदी और उनके सरकार को इसलिए बहुमत नहीं मिला कि ये लोग संविधान बदलना चाहते थे, संविधान की हत्या करना चाहते थे, इसलिए देश के लोगों ने उनको बहुमत नहीं दिया है, ये समझ लीजिए।